नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं होंडा WR-V के बारे में। होंडा WR-V जो है BS6 में अपडेट हो गई है। BS6 डीजल भी अवेलेबल है, BS6 पेट्रोल भी अवेलेबल है। एक बहुत ही अलग टाइप की कार जो है WR-V अभी है, मतलब ये रेज्ड हैचबैक वाली चीज़ है, प्रॉपर सब 4 मीटर SUV वाले चीज़ में इसको नहीं गिना जा सकता है। हालांकि होंडा के पास में उस सब 4 मीटर वाले सेगमेंट में, उस कैटेगरी में कोई और गाड़ी है भी नहीं, तो ले देके यही जो है उस कम्पीट करती है वेन्यू से, नेक्सॉन से, ब्रेजा से, या तमाम गाड़ियां जो सेगमेंट में अवेलेबल है उनसे। प्राइस जो है वो इस गाड़ी की इतनी सस्ती भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो है सब 4 मीटर SUV से ही ये कम्पीट करती है। तो बात करते हैं कि क्या चीज़ है होंडा WR-V के बारे में जो आपको इसको लेने पर मजबूर कर सकती है, मतलब जिसकी वजह से आप ये लेंगे, या और क्या चीज़ें हैं जो आपको अगर आप चाहिए तो होंडा WR-V अवॉइड करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सीरियर से शुरुआत करते हैं। ये है चाबी होंडा WR-V की। 2 बटन है लॉक अनलॉक, एकदम सिंपल। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। फ्रंट में जो है WR-V, अब जब BS6 में आती है तो कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है, जैसे कि ये हेडलैम्प वाला क्लस्टर है, इसमें कुछ बदलाव है। पहली बात तो ये LED हो गया है, दूसरी बात आपको DRL देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर मतलब थोड़े थोड़े बिट्स अंदर जो है बदलाव हल्के फुल्के हुए हैं। नीचे फॉग लैम्प जो है वो भी LED हो गए हैं। हेडलाइट्स LED तो हो गई है, बट इनका थ्रो अभी भी जो है थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, मतलब सड़क के, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इसमें लग रहा होगा थोड़ा नज़दीक पड़ता है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे भी, तो उस पर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए। थोड़ा सा दूर अगर वो थ्रो गिरे तो बेहतर होगा। बाकी ग्रिल कुछ ऐसी है, मस्कुलर लगती है। डिज़ाइन देखो, कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ को नहीं आ सकती है। मुझे पर्सनली ऑड नहीं लगती है डिज़ाइन, मतलब ऐसे डिसेंट लगती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम लगती है इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में, वो ये है कि इसकी ओवरऑल जो कहते हैं ना, मतलब जिस तरीके से बनाई गई है, फिट एंड फिनिश वाली बात है, वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें मुझे लगती है। देखो, सबसे पहले ये पैनल में गैप कितना है, उसके बाद में ये थोड़ा सा आगे पीछे है, इस तरफ भी ये गैप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा जो है देखने को हो जाता है। यहाँ ये गैप है, यहाँ पे भी है, तो पैनल गैप्स वगैरह जो है काफ़ी बड़े हैं, जो कि होंडा की एक टाइम पे मतलब इन चीज़ों के लिए जो है बिल्कुल भी शिकायतें नहीं हुआ करती थी उनकी गाड़ियों में, बट ये यहाँ पे WR-V में आपको पैनल गैप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। साइड में अगर आप देखें तो आपके पास में यहाँ एक अलॉय व्हील्स है जो कि थोड़े से अलग है, हालांकि सिर्फ डीजल के लिए अलग है। पेट्रोल में तो BS6 में मैंने देखा था, वो पुराने वाले अलॉय देखने को मिले थे। 195/60R16 अलॉय का साइज़ है। ऑलमोस्ट सारी सेगमेंट की गाड़ियों में जो है यही पर्टिकुलर टायर देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके डिज़ाइन अलॉय वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो रेज्ड है, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है ग्राउंड क्लियरेंस से जुड़ी हुई मुझे नहीं हुई। गाड़ी गंदी है, उसके लिए सॉरी। बारिश हो रही है लगातार, इनफैक्ट ये थोड़ा सा टाइम जो मैं शूट कर रहा हूँ यही मुझे शूट करने का टाइम मिला है, बाकी लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बाहर आपको रिक्वेस्ट देखने को मिलता है, जो कि पीछे उस तरफ भी देखने को मिलता है, जो पैसेंजर है उस साइड में भी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। दबाना नहीं पड़ता है आपको, आपको दबाना सिर्फ पड़ेगा लॉक करने के लिए। आप पीछे ऐसे हाथ डालेंगे और अपने आप जो है गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, तो वो एक अच्छी चीज़ इसके बारे में है। दरवाज़ों में वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा वजन जो है वो दरवाज़ों में है, चारों दरवाज़ों में। पीछे की और यहाँ बैजिंग है ID Tech की, VX ID Tech, मीन्स ये डीजल इंजन है, और होंडा की सरल बैजिंग यहाँ पे है। वाइपर जो है वो ऐसे वॉश नहीं करता है, सिंपली बस ऐसे जाता है, तो कई लोगों को जो है वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, डिटेल्स जो है वो जानने में मज़ा आता है, तो मैं बता दूँगी। टेल लैंप्स कुछ इस तरीके की, जैज़ में ये टेल लैंप्स पूरी ऑल द वे यहाँ तक जाती है, पर इसमें वो नहीं है। WR-V की बैजिंग यहाँ पे है, और बूट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ ना, एक काबिले तारीफ है इस गाड़ी में बाय गॉड, वो ये स्पेस मैनेजमेंट। पता नहीं मतलब क्या करती है होंडा, बट गजब स्पेस गाड़ी के अंदर दिया गया है। बूट भी जो है काफ़ी बड़ा है, आपको नीचे यहाँ पे स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है, हालांकि ये स्पेयर टायर फुल साइज नहीं है, ना ही ये अलॉय है, ये स्टील रिम है, बट बूट वगैरह जो है काफ़ी अच्छा है। गाड़ी की जो सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट नहीं होती है, बट नीचे जरूर गिरती है, उसकी बात अभी जो है अंदर जाके करेंगे तब करेंगे। बूट में भी यहाँ प्रॉपर जो है मतलब कवर किया गया, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ एक्सपोज छोड़ दी गई है, कवर जो है वो किया गया है। यहाँ पे 2 लाइट्स देखने को मिल जाती है, ये कैमरा है जिसके बारे में अभी अंदर जाके बात करेंगे कि क्यों ये इतना मज़ेदार नहीं है। चलिए, ऊपर शार्फिन एंटन आप देख सकते हैं। कैबिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, कहीं कोई समस्या नहीं है कैबिन में। स्टेप इन करते हैं। डीजल है, थोड़ी सी आवाज़ आएगी वो बेयर कर लेना, लेकिन अंदर की ओर सर्कुलेशन ज़रूरी है अभी हवा का। अब कैबिन में क्या क्या चीज़ें हैं, वेल कैबिन में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मतलब ओवरऑल जो लेआउट है कैबिन का वो टिपिकल होंडा टाइप्स का है, एकदम सटल है, कोई भी ऐसी तड़कती भड़कती चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, और कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी, मतलब ऐसे कैबिन में कुछ ऑड नहीं लगेगा। एक चीज़ जो कि एर्गोनॉमिक्स वाइज है, हमेशा से मैं कहता आया हूँ, वो ये टच पैनल, 2 फ्यूचरिस्टिक है, टच है, AC का पैनल टच है, टच पे काम करता है, बहुत अच्छा लगता है जानने में, बट
जब आप एक्चुअली इसको यूज़ करने जाते हो तो आपको ये नेगेटिव लगने लग जाता है, क्योंकि आपको आंखें जो है सड़क से हटानी पड़ती है इसको ऑपरेट करने के लिए, वो कभी कभार डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। तो ये मैं पहले ही आपको बता दूं एर्गोनॉमिक इशू। उसके अलावा स्पेस बहुत है आगे की तरफ, एकदम यूँ लेड आउट है। हालांकि इसकी वजह से एक छोटा सा नेगेटिव गाड़ी में ऐड हो जाता है, उसकी बात में हम आगे करें उसकी बात आगे करेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें फीचर्स की तो इस तरफ जो है आपको सारे ORVM और विंडो से जुड़े हुए कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और इस तरफ जो है आपको हेडलिंग लेवलिंग स्विच मिल जाता है। उधर ये एक बहुत ही बढ़िया टच है, यहाँ पे बॉटल रखोगे तो एसी की वजह से वो ठंडी होती रहेगी। MID कुछ इस तरीके की है, शुरू से यही आ रही है, और कोई शिकायत नहीं है, इजीली आप पढ़ पाते हो। यहाँ पे जो है डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर है वो भी है, और इस तरफ आपके पास में टैकोमीटर जो है वो भी इजीली पढ़ पाते हो। कोई भी मतलब यहाँ से कोई बड़ी शिकायत मेरी है नहीं, ठीक है। आजकल कई जो है बहुत ही डिजिटल मतलब बहुत ही एडवांस डिजिटल MIDs आने लगी है, बट अभी भी कोई शिकायत जो है मुझे इससे ऐसा कुछ है नहीं, इजीली पढ़ने वगैरह में आ जाती है। स्टीयरिंग पे ये जो बटन्स है ये सारे सारे मीडिया वगैरह कंट्रोल मतलब इसको कंट्रोल करने के हैं। नीचे जो है आपको टेलीफोन वगैरह वॉइस कमांड देना है तो वो फंक्शंस है, और इस तरफ आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल अगर आप करना चाहें तो वो है। क्रूज़ कंट्रोल की एक शिकायत ये है कि क्रूज़ कंट्रोल आप ऑन करके सेट कर लो, बट आपको स्पीड पता नहीं चलती कि किस स्पीड पर जो है क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, आपको पता चलेगा क्रूज़ कंट्रोल ऑन है या नहीं है, लेकिन स्पीड जो है वो आपको दिखाता नहीं है। उसके बाद में इस तरफ आपको वाइपर स्टॉक दिया गया है, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है। इस तरफ आपको दिया गया है हेडलैम्प्स वाला स्विच, बट यहाँ पे भी कोई भी ऑटो हेडलैम्प वाला सीन जो है वो नहीं देखने को मिलता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट इसके बारे में है। ऊपर इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर भी नहीं है, रेगुलर जो मिरर है वही आपको देखने को मिलता है IRVM। तो यहाँ इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर होना चाहिए था, सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है। सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है, कई लोगों का ये मानना है कि ये सबसे सस्ती कार होगी जिसमें सनरूफ आता है। आई डोंट नो अगर ये फैक्ट सही है या नहीं है। आई थिंक क्योंकि इसके पेट्रोल में नहीं आ रही थी पहले, तो उस वजह से शायद ये सबसे सस्ती कार तो नहीं होगी जिसमें सनरूफ आता है, बट स्टिल सनरूफ आपको देखने को मिलती है और कुछ इस तरीके से सनरूफ खुलती है। डिसेंट गैप जो है वो यहाँ है, प्लीज़ सनरूफ से बाहर निकल के खड़े मत रहा कीजिए, वो एकदम सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको सन वाइज़र देखने को मिलता है, हालांकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल वाइज़र जो है वो वाइज़र है, और वाइज़र जो है इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि इतना बड़ा स्पेस ये छोड़ देता है यहाँ पे, तो कोई भी काम का जो है प्रैक्टिकल ये इधर लगता नहीं है। हाँ, बस आप इसको यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, ये इससे आगे जाता नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में, छोटी मोटी चीज़ें जिन पे काम किया जाता तो अच्छा होता। उसके बाद लाइट्स यहाँ पे है, हेलोजन लैंप्स है, LED लैंप्स नहीं है गाड़ी के अंदर में, और बाकी मतलब स्पेस ओवरऑल उसका सेंस जो है वो बहुत अच्छा है। सीट्स जो है वो थोड़ी नई है, ये टाइप जो है फैब्रिक और अपोल्स्ट्री जो है उसका तरीका नया है। बाकी सीट का स्पेस पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। बड़े एडल्ट 6 फुट 6.2, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैज जैसा ही स्पेस है अंदर, तो अगर आपने जैज भी चलाई है तो वही सेंस ऑफ स्पेस अंदर है। ऑब्वियसली गाड़ी के अंदर क्लैडिंग वगैरह का फ़र्क है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह फ़र्क है, बाकी कोई चेसी वगैरह अंदर की साइज़ वगैरह में फ़र्क नहीं है, ना ही अंदर के पैनल्स वगैरह में फ़र्क है। ये ग्लोव बॉक्स है, डिसेंट साइज़ का है, अगेन कोई बड़ा ऐसा साइज़ का नहीं है। एक शिकायत मुझे ये है कि सेंटर आर्मरेस्ट ऑलमोस्ट कोई काम की नहीं है। ठीक है, अंदर की तरफ यहाँ स्पेस वगैरह डिसेंट है, और आपको ये एक USB 12 वोल्ट वाला जो है वो भी मिल जाता है, पावर आउटलेट भी मिल जाता है, बट ये जो है काफ़ी नीचे है। तो अगर आपकी हाइट बड़ी है तो भी आपके काम का नहीं है, छोटी है तो भी आपके काम का नहीं है। ये इस जगह होता ना एटलीस्ट यहाँ तो ठीक होता, बट ये बहुत नीचे जो है अभी हो जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं जो कि काम के हैं, अगेन आपको वहाँ यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट करना हो तो वो मिल जाता है, एंड्रॉइड डेटा का आपको कनेक्टिविटी मिलती है आपको, तो वो चीज़ें हैं। बाकी इधर एक बड़ा स्पेस है, इधर दो बॉटल होल्डर है, छोटी छोटी 500 ml की बॉटल है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। साइड में 1 लीटर की बॉटल होल्डर इधर है, थोड़ा सा स्पेस के अलावा और मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली ड्राइवर साइड में भी आपको देखने को मिलता है। स्पीकर्स यहाँ हैं, ट्विटर्स वो आप आगे देख पा रहे हैं वहाँ लगे हुए हैं, और बाकी गाड़ी में जो है मतलब म्यूज़िक साउंड सिस्टम भी उतना ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैं आपको सुना दूंगा कैसी आवाज़ इसकी है। बाकी ये टच स्क्रीन जो है अगेन एक तरीके का बमर है, होंडा पता नहीं क्यों टच स्क्रीन वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देता है, बट काफ़ी बेहतर टच स्क्रीन जो है इस जगह दी जा सकती थी, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर बात करूं तो कुछ कुछ फंक्शंस जो है वो ये हैं। देखो फंक्शंस वगैरह तो ठीक है, आपको एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह मिल जाता है, बट जिस तरीके का ये फील है ना टच स्क्रीन का वो इतना अच्छा नहीं है इसका, और ख़ासतौर से जब धूप होती है तब तो और ज़्यादा ये परेशान करता है। बाकी ठीक है, स्मूथ है, बाकी मतलब ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है जो उसकी वजह से ये कुछ बेकार का जाए, बट स्टिल सेगमेंट में और बढ़िया टच स्क्रीन मिलते हैं। रिवर्स एंगेज करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका कैमरा और ज़्यादा बुरा है, हालांकि कैमरा में कुछ मोड्स आते हैं, ये देखो ये आपको एकदम मतलब ये बहुत काम के मोड्स हैं, बट उतना अच्छा नहीं है। कैमरा थोड़ा सा अगर होंडा इंप्रूव करे, इनफैक्ट कैमरा ही नहीं, आपको ये टच स्क्रीन ही अगर थोड़ी इंप्रूव करे तो कैमरा और बेहतर लगने लग जाएगा। तो ये चीज़ें, एसी गाड़ी का बहुत ही गजब कूलिंग देता है,
मतलब इवन 27 पे मुझे कई कई बार ठंडा लगने लग जाता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी ये पैनल जो है ये अब होंडा सिटी नई वाली में तो चेंज हो गया है, आई होप इसमें भी कभी ना कभी चेंज हो जाए। इधर टच स्क्रीन, इधर तो ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आप देख सकते हैं नीचे की ओर। यहाँ थोड़ा सा स्पेस इधर भी है, बाकी ये हैंड ब्रेक है ही आपके पास में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे जो मुझे हाईलाइट करना हो ट्रिप जो है उसके लिए ये बटन है, ये दिया गया है। खास ये ट्रिप सेटिंग्स जो है यहाँ से एडजस्ट होती है, यहाँ कुछ होता जैसा फ्री स्टाइल में है तो वैसा चीज़ नहीं है। बाकी बाय द वे फ्री स्टाइल वो खड़ी पीछे आप देख पा रहे हैं, एक चीज़ आपको पता है फ्री स्टाइल और ये ही दो हैचबैक्स है जो कि मतलब प्रॉपर हैचबैक पे रेज्ड गाड़ियाँ जो है काइंड ऑफ क्रॉसओवर आप कह सकते हो वो बची है। बाकी सब तो प्रॉपर सफोर मेट्रो वाली सीन आ गई, मतलब अलग से डेवलप की जाती है। इनमें जो है बहुत ज़्यादा पार्ट शेयरिंग होती है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हो फ्री स्टाइल फिगो से और WR-V जैस से सेम सी लगती है। एक चीज़ ये नोटिस कर रहे हो आप, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी गाड़ियों से अलग है बट इसकी वजह से इसमें विजिबिलिटी वगैरह का बहुत सुधार है। एनीवे अभी मैं ये सीट एडजस्ट करता हूँ, ये मैंने सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है और अब मैं आपको पीछे चल के बताता हूँ कि ये WR-V किस चीज़ के लिए फेमस है। तो भैया ये है WR-V के अंदर स्पेस, बहुत ही ज़्यादा स्पेस। यहाँ पे आगे अगर एक 6 फुट का बंदा बैठा है तो पीछे भी एक 6 फुट का बंदा बैठ जाएगा, भर भर के स्पेस दिया गया। हालांकि यहाँ हेडरूम उतना ज़्यादा नहीं है बट स्टिल कम नहीं है, बहुत बढ़िया हेडरूम है। थोड़ा सा ये स्कूप किया गया है यहाँ से और उस वजह से काफ़ी बढ़िया हेडरूम मिल जाता है, गजब का लेग स्पेस आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है बैठने बैठने के चक्कर में। यहाँ पे आपको जो है एक लाइट मिल जाती है, डिस्पाइट सनरूफ है उसके बावजूद यहाँ पे मिल जाती है आपको। बट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पीछे कुछ भी नहीं है आपको, नॉट इवन ए चार्जिंग सॉकेट, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ जा रहे हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चार्जिंग सॉकेट नहीं है, रियर एसी नहीं है। चलो एसी तो आगे का बहुत पावरफुल है तो रियर वालों को शायद उतनी ज़रूरत महसूस ना हो, चार्जिंग सॉकेट इज इंपॉर्टेंट। हालांकि यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये एक लीटर के बॉटल होल्डर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस इधर है और ये मतलब अगेन प्लास्टिक क्वालिटी जिसकी मैं बात करना भूल गया, तो कोई कहीं भी ऐसा ना बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक जो है मटेरियल टेक्सचर ऐसा नहीं है कि उसका कि बहुत ही प्रीमियम फील वो दे, तो वो एक हल्की सी प्रॉब्लम जो है वो है इस गाड़ी के साथ में। ठीक है, मतलब ऐसा चीप सिलेक्शन नहीं है बट फिर भी आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा सा और अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी या पर्टिकुलर टेक्सचर का सिलेक्शन जो है वो बेहतर होता तो अच्छा होता। जैसे इसका सिलेक्शन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ डेफिनेटली कुछ और टाइप का यूज़ किया जा सकता था। ये हल्का सा फैब्रिक टच यहाँ दिया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है, ये फिर भी टेक्सचर ठीक है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम ही है, ये फिर भी ठीक है टेक्सचर, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे भी ठीक है, कहीं भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल नहीं है बाय द वे, अगर आपको लग रहा हो तो जो है वो ये फैब्रिक ही है, मतलब लेदर वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद पीछे की ओर ये एक चीज़ जो और अच्छी नहीं लगती है वो ये कि एडजस्टेबल एड्रेस नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई काम के नहीं है। ये एक्चुअली एक सेफ्टी इशू भी है होंडा को, इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ ना दिख की जाए। अगर कोई बड़ा पैसेंजर बैठता है तो उसकी नेक का कोई सपोर्ट नहीं है और ये सेफ्टी हज़ार्ड जो है वो यहाँ पे हो जाता है। आपको सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटर वाला मिलता है, बीच में एक लैप बेल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है और ये पर्टिकुलर सीट जो है ये नीचे भी जा सकती है, मतलब फोल्ड भी हो सकती है। आपको याद हो तो जैज मैजिक सीट्स के साथ में आती थी जिसमें ये वाली भी फोल्ड हो जाती थी और बहुत ही बढ़िया स्पेस उसमें क्रिएट हो जाता था, वो चीज़ हम यहाँ पे डेफिनेटली मिस करते हैं। कोई भी तरीके की मैजिक सीट से ऐसी कोई चीज़ नहीं है, स्पेस बहुत अच्छा है। ग्लास एरिया देखो आप गाड़ी का, ग्लास ही ग्लास लगा हुआ है अलग अलग जगह, अंदर चल के उसकी बात भी करते हैं। ओके सर, ड्राइव करते हैं होंडा WR-V, डीजल इंजन है तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि आवाज़ बहुत ही बढ़िया नॉइज़ जो है कैबिन में ये करता है और इसका एक बड़ा रीज़न जो मैं आपको बता रहा था, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं इंजन ऑलमोस्ट यहाँ अंडरनीथ आ जाता है तो वो शायद उस वजह से जो है नॉइज़ इंसुलेशन उतना प्रॉपर जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी का नहीं हो पाया। नो डाउट इंजन आवाज़ तो करता ही अपने आप में बट वो नॉइज़ इंसुलेशन की भी एक प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ एड्रेस जो है शायद होंडा को करनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और ये इंजन जो है वो आवाज़ करता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप शायद नोटिस करेंगे वो ये कि अगर आप बाकी गाड़ियों के हिसाब से देखेंगे तो उसमें बैठने का सेंस जो है वो थोड़ा सा अलग है आपके पास में, मतलब ये थोड़ा सा छोटा गियर लीवर है, दूर है, मतलब स्पेस जो है उसका सेंस ज़्यादा है, आपको स्पेस ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो अगर आपकी हाइट जो है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच के बीच है तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ आपके हिसाब से, बट अगर आप उससे ऊपर हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा महसूस होगा, स्पेस जो है वो अच्छा महसूस होगा।
परफॉर्मेंस कैसी है डीजल इंजन की? वेल, परफॉर्मेंस अच्छी है डीजल इंजन की, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एक्चुअली डीजल इंजन। हालांकि फ्री स्टाइल जितना फ्रूगल और रेव हैप्पी जो है वो थोड़ा सा नहीं लगता है कुछ कुछ पॉइंट्स में, बट आपको एक्स्ट्रा माइलेज जो है उससे मिल जाता है। मतलब ये दोनों इंजन जो है बहुत ही अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी निकाल देते हैं, माइलेज भी निकाल देते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर माइलेज निकाल देता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस निकाल देता है, वो चीज़ें हैं। अब मतलब ओवरऑल जैसे अगर बात करो ना, तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे आप पिकअप लेते हो उस टाइम पर एक चीज़ आप रियलाइज़ करोगे कि क्लच का ट्रैवल काफ़ी लंबा है, और हो सकता है आप क्लच पर हल्का सा पाँव रख के चलाते रहें, तो वो चीज़ अवॉइड करें। वहाँ पर पाँव रखने का कोई लॉजिक नहीं है क्लच वगैरह पर, उसका एक ध्यान रखें। उसके बाद में आपको गियर स्लॉट जो है वो काफ़ी सही है, मतलब ईजिली छोटा सा गियर थ्रो है, और गियर थ्रोज जो है मतलब वो आपको परफेक्टली लगेंगे हर बार, तो कोई प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई आपको नहीं होगी। जो प्रॉब्लम आपको होगी वो ये कि मतलब NVH तो है ही है, उसके बाद में डीजल इंजन थोड़ा सा हार्श लगता है, तो आप शायद ज़्यादातर वक्त जो है उसको आराम से चलाना पसंद करेंगे। अच्छी चीज़ इस इंजन के बारे में ये कि शहर में ये अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर देता है, तो मतलब लेट से कि ऑलमोस्ट आपको शहर में दे देगा 16 के आसपास 16-17 के आसपास, अच्छी ट्रैफिक वाले एरिया में भी इतना तो डिलीवर कर देता है। MID पे यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, तो आप रियल फिगर्स की अगर बात करें तो अराउंड 15 जो है आपको डिलीवर कर देगा सिटी में। हाईवेज पे जो है एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है इस BS6 होने के बाद में इस डीजल इंजन में, वो ये कि हाईवे पे ये एक सर्टेन बैंड पे ना इतना अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर नहीं कर पाता जितना पहले करता था। पहले ये पर्टिकुलर डीजल इंजन बेहद ही कमाल फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर करता था, मतलब आप ऑलमोस्ट 23-25 निकाल सकते थे हाईवे पे 100 के आसपास चलाते हुए, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा फिगर है। बट अब जो है हल्की सी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुई है, आपको शायद 21 के आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पे मिल पाए, में वो एक हल्का सा मतलब इशू मुझे BS6 में होने की वजह से लगा है। उसके बाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम डीजल इंजन में नहीं देखने को मिलेगी आपको, रिलायबल है। जो भी ओनर्स रहे हैं WR-V के, उन्होंने कभी कोई रिलायबिलिटी रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स इसकी नहीं बताई है। हाँ, जो टिपिकल कि आवाज़ ज़्यादा आती है, वाइब्रेशन वगैरह हल्की फुल्की है, वो प्रॉब्लम ज़रूर है, बाकी इस रिलायबिलिटी रिलेटेड कोई इशू जो है वो कभी भी ओनर्स ने इसके बारे में नहीं बताया। बात करें स्टीयरिंग कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, तो यहाँ पे एक मतलब एक थोड़ा सा ना बहुत ही अलग तरीके की हैंडलिंग होंडा की हो जाती है। पहली चीज़ ये लाइट नहीं है जैसे ह्यूंडई की कुछ गाड़ियों में इस सेगमेंट में, जैसे i20 एक्टिव आया करती थी, अभी i20 है, उसके जैसी लाइट नहीं है। और उसके बाद में दूसरी चीज़, ये पोलो या फ्री स्टाइल जितनी बहुत बढ़िया भी नहीं है। एक प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि जो भी होंडा के आशिक हैं, जो होंडा लवर्स हैं, उनको कुछ चीज़ें जो है समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो यहाँ पे कई लोग होते हैं वो बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग है। इस पर्टिकुलर हैंडलिंग के साथ में समस्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हैंडलिंग जो है एक मतलब जैसे अभी स्लो स्पीड पर मैं हूँ, तो इस स्पीड पर जो है आपको बहुत ही मतलब ठीक है, ईजिली आप मनोवर कर पा रहे हो, बट जो होता है ना स्टीयरिंग का सेंटर पॉइंट, जैसे ये स्टीयरिंग का सेंटर पॉइंट है अभी, तो ये स्टीयरिंग के सेंटर पॉइंट से यहाँ और यहाँ तक ठीक है, उसके बाद में हल्का फुल्का वेट बढ़ जाता है इसमें, मतलब एक्स्ट्रा वेट आने लग जाता है, जो कि थोड़ा सा ऑड है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, मतलब आपकी स्टीयरिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर वेट हर जगह रहता है। हाँ, स्पीड्स पे वेट चेंज हो जाता है, बट इसमें ना यहाँ तक ठीक है, उसके बाद में और ज़्यादा वेट आने लग जाता है, और ये स्लो स्पीड पर प्रॉब्लमेटिक है। कई बार आपको पार्क वार्क करने टाइम में ये प्रॉब्लम करता है कि एकदम से वेट कम ज़्यादा होना, ये थोड़ी सी इशू है। उसके बाद में इस हाईवे पे जो है अच्छा वेट इसमें आ जाता है, बट बीच में ना ये पॉइंट पे बिल्कुल भी वेट नहीं रहता है इसमें किसी भी जगह पे, मतलब इवन 100-120 पे भी ये बीच वाला एरिया ऐसे ही रहता है, तो वो इसके साथ में एक प्रॉब्लम है स्टीयरिंग के साथ में। बट अगर आप बात करें इससे ज़्यादा, अगर आप टर्न करते हैं इस पर्टिकुलर मनोवर से ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी, आपको उसके बाद में एकदम बढ़िया प्रिसाइजनेस मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़िया मिलता है, तो कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। इस जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बेहतरीन हैंडलिंग वाली कार जो है सेगमेंट में नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है सस्पेंशन। अब इस गाड़ी के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, ये ख़राब सड़कों पे जो है ना मक्खन की तरह निकल दिए हैं। प्रॉब्लम आपको शायद ये हो सकती है कि आपको हल्का फुल्का बॉडी रोल एक्स्ट्रा जो है इसकी गाड़ी का लगे, बट सस्पेंशन से जुड़े मुझे नहीं कोई लगता बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपको होने वाली है। मोस्टली जो लोग हैं वो सस्पेंशन इसका पसंद ही करेंगे, किसी को ऐसा कोई बड़ी दिक्कत सस्पेंशन से जुड़ी हुई नहीं होने वाली है। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम सस्पेंशन से रिलेटेड ऐसे रिपोर्ट नहीं किया गया है कि सस्पेंशन में कुछ इशूज़ आ रहे हो वगैरह वगैरह, वो भी ऐसा कोई रिपोर्ट ओनर ने किया नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है। एक चीज मैं बताना भूल गया, वही कि ये पतली ग्रिप है यहाँ पे, ये जो पकड़ने वाली ग्रिप हल्की सी पतली, इसको हल्का सा मोटा हो जाता तो अच्छा। हालांकि ये लेदर रैप्ड जैसी है, बट आपको मतलब लेदर रैप्ड है एक्चुअली, बट आपको ये ग्रिप जो है वो थोड़ी सी पतली ऑफर करती है। गाड़ी की विजिबिलिटी कमाल है, कमाल ही विजिबिलिटी है भाई। ये जो एरिया मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ये विजिबिलिटी, बड़ा ग्लास, ये बड़ा,
पीछे IRVM जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, ना हो तो आपके पास कैमरा ही, हालांकि कैमरा उतना अच्छा नहीं है बट स्टिल। और पीछे जो है लास्ट पिलर में भी आपको थोड़ा सा गैप दिया गया है। विजिबिलिटी के मामले आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको हल्का फुल्का क्लस्ट्रोफोबिक होता है वो, आप छोटी मोटी गाड़ियों से भी, आप जैद ले लो, आप WR-V ले लो, आपको कोई शिकायत नहीं होगी भैया, सब कुछ दिखता है, दूर दूर तक दिखता है। तो विजिबिलिटी के मामले में ये A1 कार कही जा सकती है, किसी भी तरीके की शिकायत जो है वो नहीं होगी आपको। कोई नहीं कर पाएगा कि भैया इस गाड़ी में विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, ना ना ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो है आपको दिखने होने मिलेगा। इनफैक्ट आप क्योंकि WR-V में थोड़ा सा ऊंचा भी बैठते हैं तो होंडा की ये कार बहुत बढ़िया है सिविक। इनफैक्ट WR-V में आप ऊपर भी बैठते हो तो वो एक और एडेड बेनिफिट आपके पास में हो जाता है विजिबिलिटी वाइज। लेकिन मतलब आप किसी को भी शिकायत नहीं होगी विजिबिलिटी में, ये मेरा मानना है। उसके बाद में सिटिंग कंफर्ट वगैरह सब अच्छा है, सीट्स बड़ी हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। एर्गोनॉमिक्स सब अच्छे हैं। एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो यही कि एक तो ये एसी वाला ये इशू, उसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे कोई भी एकदम से वॉल्यूम म्यूट या करने के लिए उसमें नॉब नहीं है। नॉब होना ज़रूरी है, ठीक है बटन से, और ये इसको दबाए रखो तो आप एकदम से नीचे आ जाता है, बट ऐसे ये नॉब वगैरह जो है वो तो नॉब की कमी, तो नॉब ही जो है वो पूरी कर पाता है। उसके बाद में गाड़ी में अगर हम बात करें क्या रह गया हमारा, ब्रेकिंग जो है गाड़ी की वो भी अच्छी है, मतलब मोर देन एवरेज, अबव एवरेज या ऑलमोस्ट गुड कही जा सकती है ब्रेकिंग। कोई शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस जस्ट के एक इनिशियल जगहों पे कुछ ऐसा तो फील नहीं है ब्रेक में, बाकी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम टाइप वाली चीज़ जो है वो आपको इन ब्रेक से नहीं मिलेगी। अच्छा खासा प्रोग्रेसिव फीडबैक जो है एक टाइम के बाद में आपको देखने को मिल जाता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की डिसेंट है, 100, 120, 140 तक जो है डिसेंट है गाड़ी, उसके आगे आपको ज़्यादा तेज़ चलाने का कोई लॉजिक भी नहीं है। और फैमिली कार है, उस हिसाब से एसिडेटली ड्राइव करें तो माइलेज भी अच्छा निकलेगा, और उसी तरीके से जो है गाड़ी की लॉन्गेविटी भी होती है, मतलब ओवरऑल लंबा आपको जो गाड़ी रखेंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस भी उसकी वजह से हो पाएगा। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन को लेने का कोई ज़्यादा सेंस मुझे नज़र नहीं आता है। नो डाउट IVTEC है, बहुत दीवाने हैं इस पर्टिकुलर कमेंट के लिए, मुझे कई लोग सुना भी देंगे कि तुझे पता ही नहीं IVTEC क्या है वगैरह वगैरह, बट उस पर्टिकुलर इंजन के साथ में ये वेट की गाड़ी जो है सूट नहीं करती है, अंडर पावर वो फील होती है। उसके बाद में फ्यूल इफिशेंसी भी उस वजह से ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाती है। एक टाइम पे उसका मिड रेंज ठीक हुआ करता था, बट BS6 की वजह से जब से मैंने उसको चलाया है मिड रेंज भी उतना कुछ खास नहीं लगता है उसका, तो वो पर्टिकुलर और उसमें ऑटोमेटिक भी नहीं आता है जो कि जैज के साथ में CVT के साथ में आता था, तो उस पर्टिकुलर मतलब गाड़ी को कोई खास तवज्जो मिलने का रीज़न जो है वो मुझे नहीं लगता होगा। हालांकि कई लोग लेते हैं होंडा का पेट्रोल है, रिलायबल है वगैरह वगैरह सोच के लेते हैं, बट वो चीज़ आजकल बाकी कंपनीज भी ऑफर कर देती है आपको पेट्रोल में अगर आपको जाना हो तो। अगर इसके साथ में 1.5 आ जाए, हालांकि प्राइस बढ़ जाएगी उस वजह से, बट वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट वो नहीं आता है, 1.2 ही जो है इसके साथ में देखने को आपको मिलता है। तो ये पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की बातें यहाँ पर हो गई हैं। तो ये सब कुछ था होंडा WR-V के बारे में, आई होप और सब कुछ मैंने कवर कर लिया। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है गाड़ी फाई के आर्टिकल का लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पे भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कुछ बाकी रह गया हो तो। बाकी चैनल मेंबर्स जो है उनको थैंक यू अगेन। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो नीचे ज्वाइन बटन जो है वो दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।